हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट अपडेट्स में। जो भी साथी हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लें ताकि हमारी हर इम्पोर्टेंट वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है, आपका जो ये चैनल है इस पर रेगुलरली आपको पेनी स्टॉक से रिलेटेड वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो पिछले 5-6 दिनों से लगातार अपर सर्किट में चलता हुआ हमें दिखाई दे रहा है और पिछले 5 दिनों में 20% के आसपास के रिटर्न्स दे चुका है। और इस स्टॉक में केवल आपको खरीदार ही देखने को मिल रहे हैं, इसमें केवल माल खरीदा जा रहा है। तो चलिए, कौन सा वो स्टॉक है, क्या अभी हमें उसमें बाय करना चाहिए या उसको अवॉइड करना चाहिए, डिटेल में जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी, यहाँ आप देख सकते हैं सिर्फ 95 पैसे का ये शेयर है। जो मैं अभी बता रहा था, पिछले 5 दिन में आप देख सकते हैं 19% के आसपास जो है स्टॉक भाग चुका है। लगातार स्टॉक में अपर सर्किट्स का खेल हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। वहीं एक महीने में मैं इसकी परफॉर्मेंस देखूँ तो एक महीने में 19% के रिटर्न्स हैं, एक साल में अगर देखें तो 35% के रिटर्न्स हैं, और बीच में तो आप ये देख सकते हैं ये वो लेवल्स हैं जहां अच्छी खासी जनवरी के मंथ में बड़ी तेज़ी स्टॉक में आई थी, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग हुई। अब अगेन स्टॉक वही चीज़ें रिपीट कर रहा है। तो दोस्तों, कौन सी ये कंपनी है, तो कंपनी का नाम है सांवरिया कंज्यूमर्स लिमिटेड। देखिए दोस्तों, ये जो कंपनी है ये एफएमसीजी सेक्टर से ये कंपनी आती है और काफ़ी इनका जो बिजनेस है वो, इनका सिंगापुर में भी एक यूनिट है, एक सब्सिडरी यहाँ भी कामकाज करती है। एडिबल ऑयल्स में मेनली ये कामकाज करते हैं, इसके अलावा राइस हो गया, जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं उनके अंदर ये कंपनी कामकाज करती है। तो ये तो दोस्तों हो गया कि कंपनी की डिटेल क्या है, कंपनी में अभी क्या चल रहा है, सिर्फ खरीदार देखने को मिल रहे हैं। तो क्या अब हमें इस स्टॉक को बाय करना चाहिए, तो इसके लिए हमें क्या जानना होगा, इसके फाइनेंशियल्स, तो चलिए फाइनेंशियल्स पर चलते हैं। जी, सबसे पहले मार्केट कैप की बात करूं तो सिर्फ 70 करोड़ का मार्केट कैप है। दोनों आर, जो मैं हमेशा बोलता हूं, 2 आर, 1 स्टैंड्स फॉर रिस्क एंड 2 स्टैंड्स फॉर रिवार्ड, दोनों काम करेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड नेगेटिव में दिख रहा है, ये एक नेगेटिव साइन यहाँ नज़र आ रहा है। करंट प्राइस जैसा 0.95 का ये शेयर है, 2 रुपये का हाई था, वहाँ से अब प्रॉफिट बुकिंग हुई थी। आगे हम देख लेते हैं कंपनी के जो नंबर्स हैं, कैसा कंपनी ये बिजनेस अभी कर रही है। तो अभी जून क्वार्टर की अगर मैं बात करूँ तो जून क्वार्टर में कंपनी को 1.37 करोड़ का लॉस हुआ था, और उससे पहले आप देख सकते हैं लगातार 6 से 7 क्वार्टरों में कंपनी लगातार लॉस क्रिएट कर रही है। अगर मैं ईयर ऑन ईयर डेटा आपके सामने प्रेजेंट करूं तो आप यहां देख सकते हैं कि कितनी मींस बुरी हालत जो है कंपनी की हो चुकी है। पहले जहां कंपनी प्रॉफिट में काम करती थी, उसके बाद बड़ा लॉस हुआ, उसके बाद कंपनी जो है लगातार 3-4 सालों से अब लॉस में कामकाज करती दिखाई दे रही है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे कंपनी का जो प्रॉफिट है वो कम हुआ है, वैसे ही वैसे प्रमोटर्स भी पहले 54 थे, फिर 39 और अभी 16.37, रेस्ट होल्डिंग 83.27 पब्लिक के पास बनी हुई है। अब दोस्तों हम बात करेंगे इस कंपनी की बैलेंस शीट, अगर मैं आपको दिखाऊँ तो आप सबसे पहले रिजर्व्स देखिए, तो आप देख सकते हैं ये भी नेगेटिव पॉइंट है, माइनस में नेगेटिव में रिजर्व्स पड़े हुए हैं जो कि 5 साल पहले पॉजिटिव में होते थे। उसके बाद बोरोइंग देखिए, लॉन्ग टर्म में भी कर्ज में फंसी है 23 करोड़ के। शॉर्ट टर्म बोरोइंग आप देख सकते हैं 890 करोड़ की, शॉर्ट टर्म में इतनी भयंकर कर्जा है। उसके बाद कैश के बारे में अगर हम जाने तो 1.33 करोड़ का कैश अवेलेबल है। वहीं एसेट्स देखें तो आप देख सकते हैं कि एसेट्स जो हैं पहले के मुकाबले में कितने डाउन हमें यहाँ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मैंने दिखाया कि कंपनी के रिजर्व्स नेगेटिव में हैं, कंपनी के प्रमोटर्स की हिस्सेदारी लगातार कम हो रही है, इसके अलावा कंपनी की सेल्स लगातार कम हो रही हैं। कंपनी पिछले 6 से 7 क्वार्टर में लगातार
लॉस में कामकाज कर रही है और कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म में भी और शॉर्ट टर्म में भी दोनों में इस समय कर्ज है। तो दोस्तों क्या अभी इस स्टॉक को बाय करना चाहिए? तो दोस्तों हमारे फंडामेंटल्स, हमारे पैरामीटर्स हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देते हैं। तो आप सभी को जो साथी हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, प्राइस मत देखिए, कंपनी का कामकाज देखिए और कंपनी का रेवेन्यू देखिए, कैसा कंपनी कामकाज कर रही है, तो उस हिसाब से आप इस स्टॉक्स को अवॉइड कीजिए। दोस्तों इस स्टॉक में पैसा फंस सकता है क्योंकि इतने पैरामीटर्स मैंने आपको दिखाए, कोई भी ऐसा पैरामीटर नहीं है जो आपको पॉजिटिव संकेत देता हो। इस कंपनी से आप दूर रहिए। आपको ये जो ये तेजी है, ये सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटर बेस्ड तेजी स्टॉक में चल रही है। तो कई जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो इस तेजी के कारण एंट्री ले लेते हैं और बाद में फंस जाते हैं। तो प्लीज़ इस स्टॉक को आप अवॉइड कीजिए, यहाँ आपका पैसा फंस सकता है। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट अपडेट थी सांवरिया कंज्यूमर लिमिटेड के बारे में, क्योंकि लगातार 2-3 दिन से सिर्फ बायर इसमें अपर सर्किट्स दिख रहे थे, इसीलिए मैंने इस वीडियो को कवर किया है ताकि जो हमारी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, जो भोली हमारे दोस्त हैं, जो हमारे भाई हैं, वो इसमें ना फंसें। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।